ये देखिए कितना खतरनाक आग, देखिए आग, आग जो चारों साइड से दिख रहा है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। आप लोग जरूर ही पढ़ रहे होंगे KMnO4 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो है यहाँ पे देखिए मेरे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। और जो है दोनों को मिक्स करने पे देखिए यहाँ पे दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे KMnO4 और जो है थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें बीकर में, ये देखिए बीकर में थोड़ा सा ले लिए हैं। अब जो है यहाँ पे ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये डालते हैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिए हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ग्रीन कलर कर दिया इसको, देखिए ग्रीन कलर पता चल रहा होगा हल्का हल्का। और ये जो है अभी Mn2O7 बन चुका है, ये जो है बहुत ही वोलाटाइल होता है। तो चलिए अब इसका वोलेटिलिटी टेस्ट करने वाले हैं कि सच में हम लोगों को थियोरिटिकल नॉलेज जो दिया जाता है वो कितना प्रैक्टिकल होता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास छोटा सा पत्ता है, ये डाल के इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ पे देखिए क्या होने लगा। हाँ ये देखिए कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये जो है एकदम हल्का आग लगा है और जो है हल्का पिंक कलर का, ग्रेई पिंक कलर का जो है कुछ सब्सटेंस निकल रहा है, रुई का टुकड़ा है, ये डालते हैं इसमें, ये देखिए अभी कैसे ब्लास्ट हो रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसा कुछ आप करने का कोशिश मत कीजिएगा। ये देखिए, देखिए कितना खतरनाक ये रिएक्ट कर रहा है कपड़ा के साथ, और ये जो है वाइट स्मोक छोड़ रहा है। अब जो है इस रिएक्शन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल में करके दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ा जो है खतरनाक लेवल में। KMnO4 इसमें डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा करके लेते हैं इस बार, ये देखिए कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं जो कि बहुत ही कंसनट्रेटेड है 100%। ये देखिए डालते ही जो है ग्रीनी कलर बन जाएगा, इतना तो सबको ही पता है, जो कि Mn2O7 ये बना है। देखिए ये धीरे धीरे कलर चेंज हो गया है, रुई का टुकड़ा है, ये देखिए कपड़ा का, देखिए कैसे आग आग आग, देखिए कैसे इसमें पता चल रहा होगा आपको, आग जो निकल रहा है और वाइट स्मोक छोड़ रहा है, ये देखिए स्मोक, ये देखिए कितना खतरनाक आग, देखिए आग, आग जो चारों साइड, ये देखिए कितना खतरनाक आग, देखिए आग, आग जो चारों साइड से दिख रहा होगा आपको अभी। और ये आवाज देखिए क्या मतलब स्मोक बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और जो है इसका वेस्ट देखिए, वेस्ट मटेरियल जो है दूसरा बीकर है, और इसमें जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ करने का कोशिश करेंगे हम। KMnO4 यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए, और इसको डाल देते हैं KMnO4 को, ये देखिए उससे भी ज़्यादा लिए हैं, पहले वाले से भी ज़्यादा। और जो है ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, यहाँ पे सारा जो है जितना भी कंसनट्रेटेड H2SO4 है सब डाल देंगे इसमें, ये देखिए सारा डाल दिए हैं, ये देखिए ग्रीनी कलर पूरा हो चुका है, और ये ऑयली थोड़ा हो जाता है और थोड़ा सा वोलेटाइल भी। तो चलिए अब जो इसका वोलेटाइलिटी टेस्ट करने वाले हैं, छोड़ो ये सब क्या करेंगे, इसको फेंकते हैं और यहाँ पे देखिए कंसनट्रेटेड जो H2SO4 है इसको और डाल देते हैं, और जो है पूरा देखिए पूरा डाल दिए हैं, और ये Mn2O7 के साथ जो है बॉल का वोलेटाइलिटी टेस्ट करेंगे, ये कितना वोलेटाइल होता है Mn2O7 अभी बॉल डालने के बाद पता करेंगे। ये देखिए ये रिएक्शन जो है आप बहुत ही कम देखे होंगे, बॉल को लगभग लगभग जला ही रहा है, ये देखिए कितना बॉल जो है पूरा तरह से जल चुका है, ये देखिए गाइज ये रहा बैंडेज, और जो है यहाँ पे Mn2O7 जो कि KMnO4 और जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें जो है यहाँ पे देखिए रुई डालते हैं और देखते हैं क्या होता है, ये देखिए, देखिए और ये भी डालते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है, देखिए अब जो रिएक्शन हो रहा है, फिर से बैंडेज और ले लिए, यहाँ पे Mn2O7 में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये देखिए बीच बीच में जो आग चमक रहा है,
यहाँ पे देखिए और बैंडेज है और ये बैंडेज पूरा डाल देते हैं इसमें और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए आवाज सुन रहे होंगे आप, रिएक्शन करवाते हैं तब जो MN2O7 बनता है वो कितना खतरनाक होता है और वोलाटाइल होता है। ये देखिए अभी तक इसका वेस्ट मटेरियल कितना डेंजर होता है और जो है देखे होंगे आप कितना आग लगता है, तो ऐसा कुछ भी आप करने का कोशिश नहीं करें। ये देखिए इसका वेस्ट मटेरियल गाइज, अभी देखिए मेरे हाथ में एकदम वाटर है, MN2O7 है जो कि MnO4 और H2SO4 का जो है सोल्यूशन है। तो अब इसको इसमें डालते हैं वाटर में और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए क्या खतरनाक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसा कुछ करने का कोशिश आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपका जो है हाथ पांव जला भी सकता है। इस तरह का और कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहिए तो जाके कमेंट कीजिए और तब तक मिलते हैं, जाके लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही रिस्क लेके ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए करते हैं। जय हिंद जय भारत।